ऑक्सीजन फैमिली आज शुरू करते हैं, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम, ठीक है ना। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। जो फैमिली है इसको चैल्कोजेन कहते हैं, जैसे हैलोजेंस थे क्लोरीन फ्लोरीन, वैसे इनको चैल्कोजेन कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है द नेम इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कंजीनर्स, पता नहीं क्या है, मतलब उसके जैसे ही दूसरे मेटल, मतलब उसके नीचे आते विद कॉपर। मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेन ईदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो तुमको मालूम है कॉपर का जो मेन ओर है वो Cu2S है, ठीक है, Cu2S है। तो कॉपर का सल्फाइड है और उसमें सिलिनाइड और टेलुराइड भी पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ से नाम निकल कर के आया। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, एयर में भी खूब ढेर सारा है। उसके अलावा सल्फर जो है वो सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट हो गया, एप्सम साल्ट, ठीक है, बैराइट या बेरियम का सल्फेट हो गया। उसके अलावा सल्फाइड्स हैं, लेड का सल्फाइड गैलेनियम ने पढ़ रखा है, जिंक ब्लेंड जिंक का सल्फाइड है, कॉपर पाइराइड जो है CuFeS2 है, ठीक है। जो वॉल्केनोज में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है और एक प्रोटीन वगैरह में बहुत से अमीनो एसिड ऐसे जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है, सब बातें आगे। सिलेनियम एंड टेलूरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड एंड टेलूराइड्स, ठीक है ना, इन द सल्फाइड ओर। पोलोनियम अकर इन नेचर द डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल, ठीक है ना। तो यूरेनियम जब डिके करता है थोरियम बनाता है, उससे फिर पोलोनियम बनाता है। अच्छा ठीक है, टेबल दे रखी है जिसको हम लोग पहले की तरह से बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NH2NP4 है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में अब वो समस्या जो थी वो ऐसे चल ख़त्म हो गई, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की पोर शील्डिंग वाली थी, तो अब साइजेस जो हैं ऊपर से नीचे आने पे नॉर्मली इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्शनली छोटा है, जो कि होना भी चाहिए था बिकॉज सबसे ऊपर है ग्रुप में, ठीक है ना। तो अब जो ऑक्सीजन का एक्सेप्शनली छोटा होना और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होना एनॉमलस बिहेवियर के का कारण बनेगा, आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, जो कि होगा जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इट इज ड्यू टू इंक्रीज द साइज, हाउएवर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यूज कंपेयर टू ग्रुप 15। ये हम लोगों ने हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो हाफ फील्ड बनाएगा, इसलिए आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अरे यार तो बहुत समस्या, रिकॉर्डिंग बहुत ख़राब आ रही होगी, कुछ पॉज कर लेते हैं भैया, यहाँ धनवंती होगी उसे कहते हैं एक गिलास पानी पिला देगी तो हिचकी रुक जाएगी। इसमें एक चीज़ है, हाँ, तो सोडियम एजाइड जो है Na3N कैसे बना सकता है? Na3N नहीं, NaN3। NaN3 कैसे बना, वही तो Na3N जैसी चीज़ बनानी चाहिए। एजाइड आयन जो है, मैंने तुमको बताया था, ये वीडियो मेरे भी तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अवेलेबल नहीं है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और जो इसका ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक नाइट्रोजन को दे देता है जो कि एन माइनस है, ठीक है, तो चाहो तो इसको एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन माइनस कर लो, ठीक है, और फिर वही जब इसका दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर आता है तो n माइनस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये n माइनस डबल बॉन्ड n अच्छा ठीक है, बल्कि n प्लस z हो जाएगी ना, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एन, इस तरह की बन जाएगी। तो
N3 माइनस आयन, एक खास तरह का आयन एजाइड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एक्सेस है, तो ये हीट होने पे नाइट्रोजन दे देगा, ठीक है। नहीं नहीं एन ए एन थ्री, एन थ्री माइनस हो गया ना, तो सर एन ऐसे हम लोग करते हैं ना पहले कि एन ए के ऊपर प्लस चार्ज, एन थ्री वो नाइट्राइड आयन है, एन ए थ्री एन जो है वो सोडियम नाइट्राइड है, वो नाइट्रोजन के ऊपर थ्री माइनस, ये नाइट्राइड आयन है, एन थ्री माइनस है, और एन थ्री के ऊपर माइनस ये एजाइड आयन है, बताया एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेटेड एन माइनस, ठीक है, वो दूसरा आयन है, वो नाइट्राइड है एन ए थ्री एन और एन ए एन थ्री एजाइड है, खैर हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में जो ऑक्सीजन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जब मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहूँगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगेंगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे पहला एक्सेप्शन है, अंडरलाइन कर लो, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्पैक्ट नेचर मतलब छोटे साइज के से, इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, ठीक है, तो जैसे अगर मैं टेबल में देखूँ, अभी कहाँ गया टेबल, टेबल 7.6 देखो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से -200 -195 -190 -174 जा रही है और ऑक्सीजन की -141 है, यानी कि इन सब से मैग्नीट्यूड में कम या सबसे ज़्यादा, जो भी समझ लो कहना चाहो, ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन में सबसे कम है, ठीक, सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगी ऑक्सीजन बाकी सब चीज़ों की, तो ये पहला एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है, जो वो 66 है ना, काफ़ी छोटा साइज है, वही कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहला है, अच्छा, लेकिन छोटे साइज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड बनाने में इलेक्ट्रॉन लेना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब फ्लोरीन से कम है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा है, ठीक, ठीक है, तो कहते हैं नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अमंग द एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन साइज, जो कि होगा ही, दिस इंप्लाइज द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, ये भी कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं, साधारण सी बात है। फिर एग्जाम्पल पूछें, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है ना, 15 ग्रुप में जा रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, इस वजह से इनकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड याद हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इंक्रीजिंग ना होने के बजाय बेरीलियम से बोरॉन का कम और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का मतलब बढ़ता था, ठीक है ना, लीथियम से बेरीलियम की ज़्यादा थी, फिर बोरॉन की कम हो जाती थी, फिर उसके बाद कार्बन होता था, फिर नाइट्रोजन हो जाता था, फिर ऑक्सीजन की कम हो जाती थी और फिर फ्लोरीन, ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर पूरे ग्रुप के साथ एप्लीकेबल है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, समझो फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 16 एलिमेंट गिवन इन टेबल 7.6, अभी देखेंगे, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स होंगे ही, सिलेनियम और टेलूरियम जो होंगे वो नीचे आ गए तो मेटलॉइड हो गए, और पोलोनियम मेटल है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड हैज शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ 13.8 डेज, ठीक है, इसका मतलब फटाफट खत्म हो जाएगा, ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो जैसे जाओगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन एक तो O2 है और सल्फर S8 है, तो S6 या S8, ठीक है, इसमें S8 ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, तो S8 में क्या होगा, एक तो सल्फर वैसे ही भारी, ऊपर 2 की बजाय 8 एटम है, तो इसलिए उसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन कर लो, बिकॉज एटॉमिसिटी ज्यादा होने की वजह से सल्फर, हाँ सर, ऑक्सीजन जो है गैस है और सल्फर एग्जिस्ट करता है, ये तो बात है, और सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन में तो वैसे एटॉमिक मास कम है, ऊपर से O2 है और सल्फर एसेट है, तो एक तो वैसे ही 2 गुना था, ऊपर से एटम भी उसके 4 गुना ज्यादा हो गया, तो मॉलिकुलर मास 8 टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए गड़बड़। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -2 से +6 तक सारी एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना, खाली ऑक्सीजन जो है, ठीक है हाँ, तो जो ऑक्सीजन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर केसेस में -2 होती है। परऑक्साइड जब बनाएगा तो -1 हो जाएगी, क्योंकि ओ सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, और जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए प्लस हो जाएगी। तो जैसे ओ एफ टू में उन्होंने बताया इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गई, तो ऑक्सीजन का केस तो अलग हो गया, उसमें हमेशा की तरह से डी ब्लॉक की अनअवेलेबिलिटी की वजह से +4 और +6 नहीं एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनमें +2, +4, +6 एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन +4 और +6 ज़्यादा कॉमन, जैसे SO नहीं एग्जिस्ट करता, हो सकता है ना SO नहीं, जैसे SCl2 एग्जिस्ट करता है लेकिन SO एग्जिस्ट नहीं करता, तो SO एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर SO2 एग्जिस्ट करता है, SO3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो +4, +6 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सल्फर सेलेनियम एंड टेलूरियम यूजली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन, जो कि रीजनेबल है क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमेशा होता आया था बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है हाँ अच्छा ठीक है। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट इज प्राइमरली कोवेलेंट, जो कि होता ही था, हमने बताया था फजान रूल के हिसाब से, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, तो +4, +6 तो बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग हो जाएंगे, चार्ज कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना, तो वो हमेशा +4 और +6 कोवेलेंट करेक्टर शो करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन पे, तो कह रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट, ठीक है, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो जैसे पहले मैंने पढ़ा था कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से कम था, ऐसे ही यहाँ पर H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट H2S से कम होगा, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए नहीं नहीं होगी, H2O में हो जाएगी, इसीलिए वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज नॉट, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और आगे यही सवाल HF और HCl के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट इज कोवेलेंसी टू 4, ये हमेशा पढ़ते आए हैं, बट रेयरली एक्सीड्स 2, ठीक है, तो H2O होता है, फिर जैसे H3O+ पढ़ते हैं हम लोग, है ना, प्रोटोनेटेड जब वाटर होता है तो उसको कहते हैं H3O+, तो ऐसे कहने को तो H4O2+ भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर पे 2 प्रोटॉन आके चपक जाए, लेकिन पढ़ते नहीं, इसका मतलब वो बेसिकली डाई 2 ही बॉन्ड बनाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द वैलेंस शेल कैन एक्सपैंड एंड कोवैलेंस एक्सीड 4, जैसे हमने जब बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो सल्फर में SF4 और SF6 भी पढ़ा था, ठीक है, तो SP3D करता है तो SF4 बना लेता है एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो SP3D2 बना करके SF6 बना लेता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रिएक्टिविटी विद हेलोजन, तो हेलोजन के साथ ही पहली बात तो H2E बनाते हैं, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ H2E बनाते हैं, H2O, H2S इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आर गिवन इन टेबल 7.7, द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T, ये पीछे भी था क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड वीक होता जाएगा उसको ब्रेक करना आसान होता जाएगा, ठीक है। पीछे अमोनिया वगैरह जो कि बेस थे, इसलिए मैं कहता था कि अमोनिया ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, इस बार कहूँगा वाटर कम एसिडिक है, वो एक ही ट्रेंड है, ठीक है। द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द बॉन्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HE बॉन्ड, तो H2O को तोड़ना HO को तोड़ना मुश्किल होगा, H2S को तोड़ना आसान होगा, फिर आगे नीचे जाके और आसान होता जाएगा। ओइंग टू डिक्रीज इन एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HE बॉन्ड डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑल्सो
डिक्रीज फ्रॉम H2O टू H2PO, ठीक है ना, जैसा पहले अमोनिया वाले में हो रहा था, बॉन्ड टूटते जाते थे, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम होती थी, वो भी यहाँ हो रहा है। ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो बाकी सब क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हाइड्रोजन दे देंगे और H2S SO2 बना देगी और हाइड्रोजन दे देगी और दूसरे को रिड्यूस कर देगी, वाटर जो है वो नहीं शो करेगा, वो तो न्यूट्रल है, और उसके बाद जो रिड्यूसिंग करेक्टर है H2S से H2TE के बीच में इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अगर हमें टेबल 7.7 देखें तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना ही पहली समस्या है, ठीक है, चाहे वो तो उसको अंडरलाइन कर लो, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। एक तो बात होता कि ट्रेंड है बढ़ने का, तो H2O ज़्यादा होता तो खाली H2S से ज़्यादा होता, लेकिन H2S या H2TE से कम होता, मतलब इसका मतलब थोड़ा बढ़ा है, और दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा है कि बाकी सबसे ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बाकी तीनों एलिमेंट से, तीनों मतलब जो हाइड्राइड है उनसे ज़्यादा है, ठीक है ना। एक्की डिस्टेंस तो जिस ऑर्डर में होना चाहिए वैसा ही है, बॉन्ड एंगल जैसे पहले अमोनिया वाले में हो रहा था इसका घट रहा है और वो क्लोज टू 90 पहुंच गया, जैसे वहाँ भी क्लोज टू 90 पहुंच गया था, ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन तो चलो कोई बात नहीं, ये देखो पहले वाले की डेल्टा एच फॉर्मेशन -286 है, इसका मतलब वाटर बहुत स्टेबल कंपाउंड है, आसानी से टूटेगा नहीं, जबकि फिर वो -20 हो गई, फिर +73 हो गई, फिर +100 हो गई, इसका मतलब स्टेबिलिटी पुअर है, जरा सा गर्म कर दोगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HE की देखो डिक्रीज कर रही है, इसीलिए एसिडिक करेक्टर इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है वो उसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। चल अब ये कह रहा है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ये लोग EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे SO2 SO3, ठीक है ना, ठीक है। EO टाइप की चीज़ें नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। SO4 नहीं बनाया, क्योंकि +6 से तो ज़्यादा कर ही नहीं सकता, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये बात पता नहीं बॉन्डिंग में बताई थी किसी ने कि नहीं, कि जिसके पास n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो मैक्सिमम +N या उधर 8-N, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो -2 से +6 के बीच में ही ये चलेगा, ठीक। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो खुद अपने आप में ओजोन बनाती है, तो उसको मैं चाहूँ तो OO2 कह सकता हूँ। ओजोन कैसी चीज हो गई, EO2 टाइप की, जहाँ पे E खुद ऑक्सीजन है। सल्फर SO2 बनाती है, सिलेनियम ऑक्साइड, तो इसमें ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आइसोस्ट्रक्चरल हैं वो गैसेस हैं, और सिलेनियम का ऑक्साइड सॉलिड है। चलो यहाँ तक तो याद रखना मुश्किल है, बट ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2, कारण बताओ कोई। SO2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, TeO2 खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, कोई चीज़ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो सल्फर कहेगी यार चलो +6 में चले जाएं, टेलूरियम कहेगा भाई हमें नहीं जाना +6 में, ठीक है। ये बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, PbO2 उल्टा क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग था, ठीक है ना, हाँ। तो +4 से +2 में आना चाहता था, तो यहाँ पे भी SO2 अच्छी ऑक्स रिड्यूसिंग एजेंट होगी, और फिर टेलूरियम तक आता है तो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिसाइड EO2 टाइप सल्फर सिलेनियम एंड टेलूरियम ऑल्सो एग्जिबिट EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हम पढ़ी रखें SO2 सल्फ्यूरस एसिड टाइप के, ना एसिड रेन पढ़ते थे ना बचपन में, तो SO2 जो है वो H2SO3 और SO3 H2SO4 टाइप के एसिड बनाएगी, हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी विद हैलोजन, ठीक है, तो ये EX2 जो है ये इनका नॉर्मल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उनके पास इनको चाहिए। फिर जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन करती है तो हमने पढ़ा था सीसॉ शेप में
SF4 के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, EX4 बना लेगी, और जब एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगी SP3D2 करेगी, तो फिर ऑक्टाहीड्रल वही तुम्हारा मतलब ऑक्टाहीड्रल कंडीशन में SF6 बना लेगी, ठीक है। तो EX2, EX4, EX6 ये इसके तीन तरह के हैलाइड हो गए, ठीक है। अब हायर एक है द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज एज इन द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन का बॉन्ड मजबूत होगा और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे वो बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, ठीक है। एमंग हेक्सा हैलाइड हेक्सा फ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हैलाइड्स, ठीक है। तो जैसे SF6 स्टेबल होगा लेकिन HCl6 होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटिवली अनस्टेबल है, ठीक है। ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैशेस इन नेचर, दे आर ऑक्टाहीड्रल नेचर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीयरिक रीजन। ये जो लाइन है अंडरलाइन कर लो, ये सवाल खूब पूछा जाता है कि SF6 की जो स्टेबिलिटी है वो स्टीयरिक रीजन से है। तो मान लो मैं SF6 की हाइड्रोलिसिस कराना चाहूँ तो समस्या क्या है, ये सल्फर के चारों तरफ 6-6 फ्लोरीन है तो वहाँ पे जगह ही नहीं है कि OH- आकर के अटैक कर सके, तो स्टीयरिक रीजन की वजह से स्टेबल है ये। नॉर्मली हम लोग ये चीज़ें नहीं पाते थे, वहीं पर होगी जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी ना। MN tetrafluoride SF4 is gas, SF4 is liquid and TF4 is solid, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है। यहाँ पर SP3D hybridization है, पहले से ही पढ़ चुके हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है जिसमें से एक लोन पेयर होता है और वो सीसॉ टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं। ये सब पढ़ चुका है पहले ही, दोबारा रिविजन के रूप में आ गया। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड्स, ठीक है ना। HCl2 जैसे मैं बता रहा था अभी एग्जिस्ट करता है, सेलेनियम नहीं करता, ठीक है। OCl2 भैया करता है, OF2 तो भी पीछे बताया ही था। भैया हमारी किताब में लिखा है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम, अच्छा चलो भैया हमारा पुराना है, चलो ठीक है। तो सेलेनियम नहीं, ऑक्सीजन रहने दो, अगर किताब में लिखा है ठीक है ना, तुम्हारी ही किताब नहीं है, ठीक है ना। OCl2 एग्जिस्ट कर, OF2 तो एग्जिस्ट करता है, OF2 भी करता है, OCl2 तो चलो देख लेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ लिखा है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम, या तुम्हारे में लिखा है ऑक्सीजन फॉर्म डाई क्लोराइड्स एंड डाई ब्रोमाइड्स, दीज डाई हैलाइड्स आर सेलेनियम के नीचे तो दिया है SCl2 का वो SCl4 नहीं Fe2Cl2 दे रखा है ना, Fe2Cl2 दे रखा है वो Fe2Cl4+, तो Fe2Cl2 मोनो हैलाइड हो गया ना, Fe2Cl2 दूसरी चीज होगी ना, ये Fe2Cl2 है ना, ये अलग है। तो क्या कह रहे हैं, ये अभी चेक कर लेंगे कि ऑक्सीजन और सेलेनियम में से क्या है। मुझे सेलेनियम ही पता था क्योंकि मैं पुरानी NCERT जो मेरे पास है इसी से पढ़ता हूँ, नई जो हमारे एडिशन में ऑक्सीजन लिख के आ गया, तो हो सकता है वो भी नहीं करता हो। तो ये कह रहे हैं ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाई क्लोराइड्स एंड डाई ब्रोमाइड, दीज डाई हैलाइड्स आर ऑफ द SP3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दो हेलोजन के साथ बॉन्ड कर लिया तो एक्साइटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन SP3 ही होगा। हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वही दो लोन पेयर होंगे, दो बॉन्ड पेयर होंगे। द वेल नोन मोनो हैलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर, ये मोनो हैलाइड भी बनाते हैं, लेकिन मोनो हैलाइड बनाएगा तो बॉन्ड कैसे दो पूरे होंगे, तो सल्फर सल्फर या सिलेनियम सिलेनियम का सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और फिर साइड साइड में दो क्लोरीन या फ्लोरीन लग जाएंगे, तो S2F2 F2Cl2 S2Br2 सिलेनियम क्लोराइड सिलेनियम ब्रोमाइड हो गए। दीज डाइमेरिक हैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन एज गिवन बिलो, जैसे Fe2Cl2 है ये SeCl4 और 3Se में टूट जाता है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE क्योंकि H2TE का बॉन्ड वीक है, H2S का बॉन्ड स्ट्रांग है रिलेटिवली, ठीक है। लिस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर, तो सल्फेट सल्फाइड, ठीक है, वॉल्केनो की गैस में H2S और नेचुरल सिस्टम्स में प्रोटीनियस सल मतलब सल हाँ एग में हेयर में वगैरह वगैरह।
राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, तो ऊपर से नीचे आने में घटेगी, ठीक है, बॉन्ड टूटता है, एच टू इज लिक्विड एंड एच टू इज गैस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं, सल्फर फिर कल की क्लास में करेंगे। डाइऑक्सीजन में कह रहे हैं इसको जो बनाने का तरीका है, पहला तो उन्होंने बताया KClO3 एक सॉल्ट होता है, तो कुछ ज़्यादा ही इसके बाद ऑक्सीजन है, हीट करने पे ये 2KCl+O2 दे देता है MnO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। उसके अलावा बहुत से मेटल के ऑक्साइड भी हीट करने पे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे उन्होंने सिल्वर दिया, मरकरी दिया, लेड दिया, ठीक है। इसमें जो लेड है वो PbO में देखो जा रहा है, जबकि सिल्वर और मरकरी प्योर मेटल बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिवली नोबल है और लेड जो है उसका +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। चलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हीट करने पे H2 और O2 देता है, हम लोगों ने हाइड्रोजन में पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्केल पे तो भैया वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके ही ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और फिर और भी ज़्यादा उसमें इंडस्ट्रियली देखोगे तो एयर से हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, एयर को ठंडा कर लेते हैं, उसी से नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन सब अलग अलग कर लेते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक, कलरलेस ओडरलेस गैस है, ये सब बेकार है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी उसकी बता दी, कहाँ तक याद कर लेंगे, ठीक है। 90 केल्विन पे फ्रीज लिक्विफाई होती, 55 केल्विन पे फ्रीज कर जाती है, बहुत मुश्किल है याद कर पाना, मुझे खुद ही याद नहीं है। ऑक्सीजन के आइसोटोप बता दिए, 16 है मेन, उसके अलावा 17 और 18 है, ठीक है। O2 की खास बात है कि वो 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट के जो होते हैं वो सिग्मा स्टार 2p में 2px में एक एक करके 2px और 2py में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डाई ऑक्सीजन रिएक्ट डायरेक्टली विद नियरली ऑल मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम, गोल्ड और प्लेटिनम ही जो है नोबल हैं, उनके अलावा सारे मेटल के साथ ऑक्साइड बनाती है, एंड सम नोबल गैसेस जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं आजकल के XCO3, तो मतलब इतनी ऑक्सीडाइजिंग है कि इवन ज़ेनॉन जैसी चीज़ को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, विच है, ठीक है, जो कि होगा ही। हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई, तो रिएक्शन शुरू करने के लिए तुमको ओ बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बाद में तो एक्सोथर्मिक है। अब जो रिएक्शन है फालतू में कैल्शियम एल्यूमिनियम सब लोग अपने अपने ऑक्साइड बना ले रहे हैं, इसमें कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद कैटलिटिक ऑक्सीडेशन में SO2 से SO3, ठीक है। ये जो रिएक्शन है HCl+O2 के Cl2+H2O, ये दिखाता है कि ऑक्सीजन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकते, यूजेज में कह रहे हैं इन एडिशन टू इट्स इंपॉर्टेंस इन द नेचुरल रेस्पिरेशन कम्बस्टन ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल करके एसिटिलीन गैस बनाते हैं, उसको जलाने के लिए साथ में ऑक्सीजन देते हैं ताकि हाई टेम्परेचर अटेन हो सके। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी मेटल पर्टिकुलरली स्टील ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल, चलो ठीक है। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग माउंटेनियरिंग कम्बस्टन ऑफ फ्यूल एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रेमेंड, अच्छा ठीक है, तो हाँ लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वो मतलब ऑक्सीडेशन का सोर्स है रॉकेट फ्यूल में, ठीक। चल अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो प्लेटिनम नहीं करेगा, और ये रिएक्शन आसान है, कोई समस्या नहीं है, सिंपल ऑक्साइड क्या है भाई ये, अब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विच आर बेकार बात है, ऑक्साइड का ये सब जानते हैं, ठीक है। ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ठीक है, तो सल्फर का जैसे ऑक्सीडाइड है तो वो एसिडिक है, पानी में मिल करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। कैल्शियम का ऑक्साइड है बेसिक है, तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पानी में मिल करके बेस बनाएगा। कुछ क्या कहते हैं एम्फोट्रिक होते हैं, वो एसिड के प्रेजेंस में बेस और बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। और कुछ ऑक्साइड है जो न्यूट्रल हैं, जो ना एसिड बनाएंगे ना बेस बनाएंगे, ठीक है, CONO N2, ठीक है, H2O खुद अपने आप, ठीक है। चलो ओजोन क्या कहते हैं, इन्होंने बताया ओजोन जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है O3, ठीक है ना। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बता रहा हूँ
कि इसको बनाने का डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। देखो नीचे लिखा है ना प्रिपरेशन में, 3O2 + 3O2 + 2O3 है, तो डेल्टा एच है प्लस 142 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी बढ़ रही है और एंट्रोपी भी घट रही है। पहले तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, अब दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ऐसी चीज को तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर कैसे बनता है, कोई और एनर्जी खर्चा, ठीक है ना। जैसे हमने बॉडी में भी पढ़ा है बायोलॉजी में कि बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो होने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए, ग्लूकोज से CO2 मतलब CO2 प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन सनलाइट यूज करके कर सकते हैं। पानी को जमीन से उठ करके टंकी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोटर चला करके कर सकते हैं। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो थर्मली अनस्टेबल है। जब भी ओजोन को बनाओगे तो कुछ समय के बाद अपने आप ओजोन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आउटर एटमॉस्फियर जो है हमारा, वहाँ पर सन से और अदर जगहों से कॉस्मिक रेज आ रही हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब कॉस्मिक रे देखती है तो उसकी एनर्जी लेकर के ओजोन बना देती है, फिर ये ओजोन समय के साथ डिप्लीट हो जाती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, उधर ओजोन बन रही है, उधर ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो वो एग्जिस्ट कर रही है, वो एक तरह से अनस्टेबल कंपाउंड है जो लगातार बन रहा है, लगातार डिप्लीट हो रहा है, और बीच में थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपने आप में स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज लगातार उसको एनर्जी मिल रही है बाहर से उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ओजोन इतना अच्छा, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए सी लेवल पे पाया नहीं जाता, ठीक है। मतलब यहाँ हम लोगों के पास ओजोन पॉइजनस है, ठीक है। ओजोन खाली हाइट पे मिल रही हुई, वहीं पे उसको वो कॉस्मिक रे, मतलब जो भी करना हो, कोई ओजोन का मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर नीचे आ भी रहा होगा तो यहाँ आते आते रास्ते में ब्रेक करके ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है ना। एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ सन। अरे लोग भैया गुब्बारा भेजते हैं ऊपर के एटमॉस्फेयर, क्या आदमी बहुत मेहनत किया यार, जान गया कि चंद्रमा पे क्या है, मार्स पे क्या है, तारों में क्या, ये जान गया। तुम कह रहे हो गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको जानने के, एग्जिस्ट तो करी नहीं, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करी ना, तो फिर यही नहीं करे तो फिर। अरे जैसे आदमी को ये पता है कि सूरज पे क्या है तो गया थोड़ो ना है, जुगाड़ लगाए लगाए दीदी हैं, ठीक है, यही तो आदमी की औकात है, क्यों। खैर, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये बनती है। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब कह रहे हैं प्रिपरेशन का तरीका देखो इसमें क्या, व्हेन अ ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो हम क्या कहते हैं, बिजली पास करते हैं एयर के थ्रू, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ले करके ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो अपने आप नहीं, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। जैसे पानी को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर लो तो एनर्जी दे के कर सकते हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव है लेकिन फिर भी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी दे, बिजली पास कर दे रहे हैं, हो जा रहा रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो 10% ऑक्सीजन बनता है। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। सिंस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। अगर बिजली नहीं पास करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी। इफ कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% इज रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड। बैटरी ऑफ ओजोनाइजर का मतलब है एक चीज ऑक्सीजन लेगी वो 10% ओजोन बना देगी, फिर दूसरा ओजोनाइजर वो 10% वाली ऑक्सीजन लेगा उसमें थोड़ा 20% या जो भी ज्यादा बना देगा, इस तरीके से, ठीक है ना। कैन बी यूज इन प्योर ओजोन जिसका बॉयलिंग पॉइंट 385 केल्विन है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाएगी। कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंड 161 डिग्री सेल्सियस होगा भैया। अरे यार हमारी किताब में बॉइलिंग पॉइंट 385 दे रखा है। ये भाई ऐसे चल रहा
अच्छा चलो, मेरे पास नेट नहीं समय, ठीक है। केल्विन हाँ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ और मेरे में 161.1 केल्विन अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो ठीक है, पहली बात तो क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 385 डेफिनेटली नहीं होगा, पूछो क्योंकि उन्होंने लिखा है इट कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन, केल्विन। तो लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे यूज करना है, इसका मतलब 385 केल्विन तो नहीं होगा। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, वो अलग अलग वो हैं गलतियाँ हैं किताबों में। ठीक है तो ये दो गलती निकल कर आएगी, एक तो सिलेनियम और ऑक्सीजन में चेक करना है कौन डाई क्लोराइड डाई ब्रोमाइड नहीं ये बनाता, टेम्परेचर दूसरा क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या, 385 डेफिनेटली नहीं होगा, 161 या 101 जो है वो ज़्यादा रीजनेबल है लिक्विड ऑक्सीजन से कंडेंस हो गया। फिर प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है, ओजोन हैज करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड एन स्मॉल कंसेंट्रेशन इट इज हार्मलेस, हाउएवर इफ कंसेंट्रेशन राइज अबव 100 PPM तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगी, हेडेक और नॉजिया हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वही जो बात बता रहा था, बता रहे हैं कि ये जो है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल अनस्टेबल है, क्योंकि अगर ओजोन से ऑक्सीजन बनाएं तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ओजोन का बनना थर्मोडाइनमिकली फीजिबल नहीं है, और ओजोन से ऑक्सीजन तो हमेशा बन जानी चाहिए किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, इट इज नॉट सर रियली सरप्राइजिंग देयर फोर दैट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी कैन बी एक्सप्लोज डेंजरसली एक्सप्लोसिव। ठीक है, तुरंत ब्रेक कर जाएगा, एनर्जी देगा। ड्यू टू ईज विद विच इट डिप्लेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन गिव्स O2+O, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, उसके पास ऑक्सीजन फालतू आराम से दे देगी, तो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में और आयोडीन को आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देती है, और बदले में O2 दे देती है। तो O3 में से एक O2 तो O2 ही रहेगा, और एक O जो है वो ऑक्सीडेशन के काम में आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर, आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, ये स्टॉइशोमेट्री का वैसे तो सवाल है, लेकिन क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक एयर का सैंपल है, ठीक है, और एयर ओजोनाइज्ड है, तो मुझे क्या पता इसमें 7% ओजोन है या 10% ओजोन है। ठीक है हाँ, और ओजोन को तो टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयर में तो किसी चीज को टाइट्रेट करना मुश्किल है, तो ये क्या करते हैं, हम एक्सेस के आई का सल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेस के आई के सल्यूशन में जब ये गैस बबल करेंगे तो क्या होगा, ओजोन जो है वो के आई को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी I2 में। अब फिर I2 की प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्च के साथ ब्लू कलर दे देता है ना, बचपन में पढ़ा होगा स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जब इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट वापस आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है और उसका ब्लू कलर गायब कर देता है। तो मैंने कितना सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया टाइट्रेशन में, उससे पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ था, और जितना आयोडीन प्रोड्यूस हुआ था उससे पता चल जाएगा कितना ओजोन थी, सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन वेरी रैपिडली विद ओजोन, एंड देयर इज दस द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन माइट बी स्लोइंग द डिप्लीशन ऑफ स्लोली डिप्लीटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग कह रहे हैं CFC से ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, वैसे नहीं, कह रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO से भी ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही होगी। एनदर सेट टू ओजोन लेयर इज प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ फ्रियॉन्स, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, विच आर यूज इन द एरोसॉल स्प्रेज एंड द रेफ्रिजरेंट, हम लोग उनका यूज करना बंद कर चुके हैं। द टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन आर आइडेंटिकल 128 picometer, ये बता रहे हैं रेजोनेंस के बारे में। ओजोन की बॉन्डिंग कैसी है, एक ओ डबल बॉन्ड ओ है और दूसरा ओ ने कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कर दिया है ओ को, तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या है, वो दोनों बॉन्ड जो है वो 1.5 बॉन्ड है, मतलब एक पर डबल बॉन्ड इधर होगा एक बार डबल बॉन्ड इधर होगा, इसीलिए उनका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड लेंथ है वो आइडेंटिकल है 128 picometer की, और बॉन्ड एंगल 117 है। ठीक है, जो SP2 के 120 से थोड़ा कम है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी लगाएं
तो sp2 होने की वजह से एक डबल बॉन्ड है ना, इसका एंगल 120 होना चाहिए था, लेकिन अब उधर से लोन पेयर जो है वो रिपल्शन ज़्यादा मारेगा, तो एंगल 120 ना होकर के 117 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू मेन फॉर्म जो बगल बना रखा है। यूजेज में इट इज़ यूज एज अ जर्मीसाइड डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स आइवरी फ्लोर स्टार्च एक्सेट्रा, सारा इनका ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है। इट इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है। और हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ओजोन से आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो आयोडीन बनता है, उस आयोडीन को थायोसल्फेट से टाइट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, सल्फर और इसके एलोट्रॉप कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।